हाय स्टूडेंट्स, सो आज हम DoubtX के डिस्कशन में ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं कोशिश करूंगा हर तरह के कॉन्सेप्ट्स यहां पे कवर हों, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ने पूछी हैं. पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने है, ओमकार नंदा ने पूछी. ओमकार ने काफ़ी सारे सर्किट्स पूछे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के सर्किट मैक्सिमम यहाँ कवर हो जाए. सो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, इस सर्किट के अंदर 5 ओम रेजिस्टेंस में से करंट हमें कैलकुलेट करनी है. अगर हम यहाँ पे देखें 5 ओम में करंट कैलकुलेट करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जो कॉन्सेप्ट वीडियोस में आपको बताए गए थे, पीजी बुक में भी दिए गए हैं. इसको केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं, केसीएल से सॉल्व कर सकते हैं, थेवेनिन एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं, और चौथा मेथड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है. बट आई वुड प्रेफर यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल बैटरीज दिखाई दे रही है, मैं केसीएल यूज़ करूँगा ताकि एक ही इक्वेशन में फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. इसको अगर आप केवीएल से सॉल्व करेंगे तो 2 या 3 वेरिएबल्स तक बन सकते हैं, यानी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है. सो अगर हम KCL से करें तो सबसे पहले हम यहां पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 5 ओम में हमको करंट कैलकुलेट करना है. सो 5 ओम के लेफ्ट में यहां पे आप 0 वोल्ट ले लीजिए. अगर यहां 0 लेंगे, यहां पे आप x ले सकते हैं. तो करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर है. तो सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो अगर यहां पोटेंशियल x है, तो यहां पोटेंशियल होगा x -40 और +20, यानी यहां पोटेंशियल होगा x -20 और ये 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल होगा 10. यानी अब x की इक्वेशन लिखनी है. अगर KCL इक्वेशन x की लिखेंगे, x निकल जाएगा, क्वेश्चन ओवर. सो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे KCL इक्वेशन फॉर x, तो x जहाँ पे भी कनेक्टेड है वो सारी करंट्स निकालनी है. इधर हो जाएगा x -0/5 प्लस इधर वाली करंट होगी x -40 -0, यानी x -40/10 प्लस इधर होगा x -20 -10, यानी x -30/10 प्लस इधर होगा x -40/10 x -40 -10, यानी x -50/10 इक्वल्स टू 0. आप अगर 10 एलसीएम ले लेंगे तो 2, 3, 4, 5 x इज इक्वल्स टू 50 + 30 120. सो x का वैल्यू आ गया 120/5, यानी 24 वोल्ट. x 24 वोल्ट मीन्स हमारे पास करंट का वैल्यू आया 24/5, दैट कम्स आउट टू बी 4.8 एम्पियर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में किसी और पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में फाइनल रिजल्ट आ रहा है. आई होप दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल. आप सबको इस मेथड को दिमाग में रखना है. कॉन्सर्ट वीडियोस में और पीजी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो केवीएल से वेरीफाई कीजिए, रिलेटिवली लंबा जाएगा, रिजल्ट यही आएगा. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है. फिजिक गैलेक्सी वॉल्यूम 3A का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर. सो अगेन यहाँ पे आपको 3 ओपन लूप्स दिखाई दे रहे हैं. अगर केवीएल से सॉल्व करेंगे तो रिलेटिवली लंबा हो जाएगा क्वेश्चन. हम डायरेक्टली इसको भी केसीएल से सॉल्व करते हैं. 10 ओम में करंट कैलकुलेट करनी है, तो रेफरेंस पोटेंशियल यहाँ 0 ले लेते हैं. सो यहाँ पे पोटेंशियल होगा 40, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, तो इट विल बी x +20, और यहाँ -10 कर दीजिए, इट विल बी x +10. सो इफ़ आई राइट KCL इक्वेशन फॉर x, तो x निकालना है, दैट्स इट. यहाँ पे करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x -0/10 एम्पियर. सो x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो पहले x की इक्वेशन देखिए, दिस x -0/5 प्लस इधर करंट जाएगी x -40/5 प्लस इधर करंट जाएगी x +20/5 प्लस इधर करंट जाएगी x +10 -40 x -30/5. ये वाला 10 है, दिस नॉट 5, दिस x /10 प्लस x -40/5 प्लस x +20/5 प्लस x +10 -40/5 0. आप ध्यान से देखिए, एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 + 2 + 2 + 1 7x इज इक्वल्स टू दिस 40 + 30 = 70 - 20 = 50 × 200. x का वैल्यू हमारे पास आ गया 100/7 वोल्ट. व्हेन यू पुट इट ओवर हियर, दिस गिव्स यू 10/7 एम्पियर. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. दैट्स इट, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगेन आई एम टेलिंग यू, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पीजी वॉल्यूम 3A में दिए हुए हैं. आप प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से जल्दी निकालिए, और साथ ही केवीएल से भी इस क्वेश्चन को करिए, थेवेनिन मेथड से भी करिए. जितने मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्रेजुअली आपकी कमांड बनना शुरू हो जाएगी किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड शॉर्ट रहता है.
प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू गेन कमांड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में फास्टेस्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला. एक्यूरेसी तो हर मेथड में होती है बट फास्टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आइए आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन भी ओमकार ने ही पूछा था. ओमकार के दो क्वेश्चन मैंने ले लिए. नेक्स्ट हम दूसरे स्टूडेंट्स के भी डाउट्स लेते हैं. आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में मैं नाम लेना भूल गया. ओमकार ने भी पूछा था और लास्ट क्वेश्चन संचित मुखर्जी ने भी क्वेश्चन पूछा था. सो संचित का नाम मैंने नहीं लिया था बट वो क्वेश्चन संचित ने भी पूछा था. वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग अगेन बेसिस इज सेम. दिस क्वेश्चन इज अगेन आज बाय ओमकार एज वेल एज कमल. दो स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर्किट आपके सामने और क्वेश्चन में दिया गया है 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में हमको स्टेडी स्टेट चार्जेस निकालने हैं. ये बात आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो स्टेडी स्टेट में दीज ब्रांचेस एक्ट लाइक ओपन सर्किट. यानी इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता. यानी हमारे पास बीच वाला सर्किट ही है और इनके अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं तो सी इन टू वी से चार्जेस निकल जाएंगे. सो यहां पे हम सेम लॉजिक लगाएंगे. केसीएल से ही सॉल्व करेंगे अदरवाइज इतने सारे लूप में बाकी कोई भी मेथड रिलेटिवली लेंथी हो जाएगा. सो यहां पे आप देखें अगर मैं यहां पे पोटेंशियल जीरो ले लेता हूं तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा 10. यहां का अगर मैं एक्स ले लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5. So I can directly write KCL equation for X. So in this situation, अगर आप ध्यान से देखें तो X की equation यहाँ पे जो current flow होगा this will be X divided by 4 plus इधर current flow होगा X minus. इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ X है तो we can omit this branch. इसकी current यहाँ पे equation में काम नहीं आएगी. इधर देखेंगे तो ये X minus 0 by 4 एक और plus इधर जो करंट फ्लो होगी दिस विल बी एक्स प्लस 5 माइनस 10. यानी एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0. दिस व्हाट आई नीड टू राइट. और यहाँ पे अगर एलसीएम 4 लेता हूँ तो 1, 2, 3 ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 10. एक्स का वैल्यू आ गया 10/4 इज 2.5 वोल्ट. द क्वेश्चन इज ओवर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2.5 वोल्ट है अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड एज वेल एज अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड. तो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड आप डायरेक्टली सीवी लिख सकते हैं. दिस 4 × 2.5 = 10 µC. चार्ज ऑन 2 µF ऑल्सो कैन बी रिटन एज C-V. ये मैंने C लिया है ये C- लिया है. दिस 2 × 2.5 दिस 5 µC. दीज आर दी आंसर टू दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A. सो इस तरह के बहुत क्वेश्चन बुक के अंदर आप प्रैक्टिस करें. हर तरह का कैसा भी सर्किट हो वन लाइनर सॉल्व हो जाता है. आप बेसिक मेथड्स की प्रैक्टिस करें एवरीथिंग विल बी एबल टू मैनेज. आइए आगे बढ़ते हैं. अपकमिंग वीडियोस में और भी वैरायटी के क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे. जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स को टेकअप करें.